हेलो एवरीबॉडी, क्लास टेंथ की वर्कशीट आ गई है साइंस की। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी में ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ क्या है। वी सपोज टू डू द वर्कशीट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सो आई एम डूइंग इट इन द हिंदी मीडियम ओनली। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहीं से पढ़ें बिकॉज इट्स गोना बी इन बोथ द मीडियम्स, क्योंकि हम लोग बाईलिंगुअल हो चुके हैं लगभग, तो एक लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेजेस में एक ही बार कर लेते हैं वर्कशीट्स। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु में तार प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। इसे ओम के नियम से नाम से जाना जाता है। विल रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। इन 1827 एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ही प्रोपाउंडेड रिलेशनशिप बिटवीन वी आई एंड आर, किसके बीच में, वी आई और आर के बीच में। आई है वो करंट जो किसी तार में वायर में फ्लो कर रहा है, आर है वो रेजिस्टेंस जो उसके बीच में कोई परेशानी दे रहा है, क्योंकि यहीं से आर, यहाँ से आर डिराइव होगा, और ये है पोटेंशियल जो कि उन तारों के बीच में या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। विभवांतर जो होता है वो हमेशा जो करंट उसमें बह रहा होता है, जो विद्युत धारा बह रही होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे सीधा संबंधित होता है। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड प्रतिरोध, ठीक है बच्चे। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इन्होंने कहा था, और फिर उसमें एक कांस्टेंट लगाया गया ताकि ये इक्वल टू में बदला जा सके, उस कांस्टेंट को हमने लिखा R। चलिए हम पढ़ते हैं लॉ को। लॉ कहता है, ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ कहता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो उसमें करंट बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब सारी बाकी सब चीज़ें एक जैसी हों, बाकी सब चीज़ें फिक्स्ड हो, जैसे तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए, ठीक है। यानी कि V विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, I एम्पियर करंट में, करंट एम्पियर में, और ओम है यहाँ पर धातु का प्रतिरोध। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना है आपको, कि कितना प्रतिरोध हो रहा है तार में, कितना विरोध है करंट के विरुद्ध, विद्युत धारा के विरुद्ध, उसको निकालते हैं R। R को कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एक नियंत्रक है यानी कि R के रूप में इसको लिखा जाता है। SI यूनिट होती है। R को नापते हैं ओम में, V को तो वोल्ट में ही नापते, विभवांतर को, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या बन गया, एक ओम होता है एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, यानी वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट डिवाइडेड बाय वन एम्पियर। एक और चीज़ यहाँ से डिराइव होती है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, यानी कि V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ये क्लियर है। V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, इसका मतलब है आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये होता है रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा आसानी से बह पाएगी, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा को बहने से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। निक्रोम वायर, निक्रोम वायर क्या होती है, जो घरों में हीटर आपने देखे होंगे, ऐसे हीटर होते हैं उसके बीच में देखो बेटा ऐसे लगी होती हैं वो तारें, और यहाँ पर ना एक तार लगी होती है मोटी मोटी। दिस वायर इज़ मेड अप ऑफ निक्रोम, ठीक है। ऐसी तार, ये जो तारें होती हैं लगभग हीटर जैसी है, जो भी गर्मी देने वाली तारें हैं वो लगभग निक्रोम से बनी होती हैं। निक्रोम में बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि उसका आर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी करंट उसके अंदर बहता है, जो भी करंट उसके अंदर बह रहा होता है वो बहुत कम बहता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए इसी प्रतिरोध के कारण वहाँ पर बिल्कुल तार में से आग निकलने जैसी स्थिति होती है, यानी कि तार गर्म हो जाता है। हीट की फॉर्म में ये प्रतिरोधक क्षमता अपने आप को दर्शाती है, हीट पैदा होती है, इसी काम के लिए उसको निक्रोम से बनाया जाता है। निक्रोम का मतलब होता है निकल, निक्रोम का मतलब ये भी होता है बच्चे, निकल, क्रोमियम,
और मैंगनीज की बनी हुई धातु, इसलिए इसको निक्रोम कहते हैं। निकल और क्रोमियम मेन होते हैं, मैंगनीज थोड़ा बहुत मिलाया जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे वो है ग्राफ। ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। ग्राफ कहता है यहाँ पर बह रहा है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर है विभवांतर और ये है आर। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ये निक्रोम वायर है। जितना ज़्यादा करंट देंगे उतनी ज़्यादा हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रेखांतरित बढ़ता है। यही ओम का नियम है, कि ये ओम का नियम भी तो यही है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी धातु के लिए दिए गए ताप में एक प्रतिरोध का नियतांक होता है। आइए हम पढ़ते हैं अभ्यास। आई थिंक हमने पूरी पढ़ लिया है क्या क्या लिखा था इसमें। ओम का नियम, ओम का नियम बताइए, आई वी आर के बीच क्या संबंध है, वी और आई के बीच ग्राफ खींचिए। चलिए देखिए, ये वी और आई के बीच में ग्राफ है। पहला सवाल, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, ये ओम का नियम क्या है। ओम का नियम यहाँ पर लिखा है। ओम का नियम कहता है एक विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उसमें प्रभावित होने वाली धारा यानी कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट वायर। और बाकी चीज़ें समान रहनी चाहिए, कीपिंग ऑल द अदर कंडीशंस कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या कहता है। मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत धारा का क्या होगा। तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। यानी आई और आर, जब आर कम होगा तब आई ज़्यादा होगा, जब आर ज़्यादा होगा तो आई कम होगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रतिरोध को बढ़ा दिया है, यानी कि आर को आपने बढ़ा दिया है, आर को आपने बढ़ा दिया तो आई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 20 है मान लो, ये 2 है और ये 10 है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है ना बच्चे। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूँ तो ये करंट बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को 20 कर दूँ बढ़ा दूँ तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ दर्शाए विद्युत परिपथ में विभवांतर क्या है। विभवांतर क्या है, देखिए बच्चे V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चे। I यहाँ पर है 2 एम्पियर, R यहाँ पर है 13 ओम और आंसर हो जाएगा 26 वोल्ट। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। ये आपका I है, करंट है, विद्युत धारा है, ओम में क्या माना पा जाता है यानी कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। 5 ओम प्रतिरोधक यदि 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। I की वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पर 5 दिया है, ये 10 दिया है, I की वैल्यू निकालनी है। 5 को उधर ले जाइए बेटा, I हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चे, I 2 एम्पियर। कोई दिक्कत समझने में। 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम होता है 1 वोल्ट। देखिए एक ओम क्या होता है, ये रहा यहाँ पर लिखा है, यहीं पर लिखा होगा, मैं लिखवाती हूँ बच्चे। 1 ओम क्या होता है, जब एक विद्युत सुचालक के बिंदुओं के बीच एक वोल्ट का विभवांतर हो और एक एम्पियर
विद्युत धारा बह रही हो तो प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है बच्चे, एक विद्युत सुचालक के 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर है 1 वोल्ट और उसमें जो करंट बह रहा है, जो विद्युत धारा बह रही है वो 1 एम्पियर है, तो उनके भी उसकी प्रतिरोध क्षमता भी, उसका प्रतिरोध भी कितना होता है, 1 ओम होता है। ये होता है 1 ओम, आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बच्चों, टेक केयर।